नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इथिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं स्पाइस मनी को लेकर कि स्पाइस मनी में आया है ट्रेवल यूनियन। जी हाँ दोस्तों, ट्रेवल यूनियन यहाँ पे आया है। ट्रेवल यूनियन से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है? तो दोस्तों स्पाइस मनी जो है कि यहाँ पे आप लोग को IRCTC एजेंट बनने के लिए जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है कि मेरे से अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा आपको ऑफर कर रही है। इसके बाद जो है कि शायद कभी फिर ऐसा मौका नाम मिले। जी हाँ दोस्तों, क्या है, कैसे है, सारे प्रोसेस को जानने के लिए आप हमारे पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने अगर टेक्निकल इथिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है और आप लोग का लाइक मिल जाता है तो दोस्तों ये जो है कि सारा मेहनत जो है कि सफल हो जाता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं ट्रेवल यूनियन। जी हाँ दोस्तों, ट्रेवल यूनियन क्या आपने कभी सुना है या जो है कि इससे पहले आप ट्रेवल यूनियन का वीडियो देखे हैं, क्या है जो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ट्रेवल यूनियन क्या है दोस्तों, कि जैसे अभी तक आप स्पाइस मनी के अंदर काम करते आ रहे होंगे स्पाइस मनी से, तो वहां पर ट्रेवल यूनियन जो है कि जो IRCTC आप यूज करते हैं उसी को एक ये एप्लीकेशन पे लेके आया है ट्रेवल यूनियन के नाम से। होगा क्या दोस्तों, टिकट तो आप बुक ही कर पाएंगे, एप्लीकेशन भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है। तो जो है कि इसमें होगा क्या कि जैसे आप जो टिकट बुक करते थे उसमें जो है कि आपको टिकट कैंसिलेशन जब कैंसिल करते थे तो वहां पे जो है कि आपको रिफंड आने में थोड़ा सा टाइम लगता था, ज्यादा टाइम नहीं लगता था बट आधे घंटे का यहाँ पे टाइम लग जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको इंस्टेंट जो है कि वो रिफंड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या जो है कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम आप लोग को लॉग इन करके दिखाते हैं कि ट्रेवल यूनियन किस तरह से लॉग इन होता है। कमीशन की भी हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से कमीशन मिलता है और जो है कि अब जो है कि IRCTC एजेंट आईडी लेने में हमें कितना चार्ज करना लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये ट्रेवल यूनियन है, ट्रेवल यूनियन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज अपने को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह दो ही भाषा में उपलब्ध है। सोनू सूद का यहाँ पे ब्रांडिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ट्रेवल नीड, ट्रेवल बस फ्लाइट होटल बुकिंग एवरीथिंग इन वन सुपर ऐप, मानी एक ही ऐप के अंदर जो है कि आपको सारा कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए फिर से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, वही चीज हमको फिर से यहाँ पे रिपीट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है कि ट्रेवल यूनियन यहाँ पे अपने को एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। गेट स्टार्ट हम करेंगे, गेट स्टार्ट करने के बाद लॉगिन करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, जिनके पास स्पाइस मनी आईडी है, जिनके पास स्पाइस मनी आईडी है वो इससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर जिनके पास स्पाइस मनी आईडी नहीं है तो हमारे एंड से फ्री स्पाइस मनी आईडी है। डिस्ट्रीब्यूटर कोड हमारा दिख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से आप डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाल के खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या जो है कि आप डायरेक्टली हमें भी डॉक्यूमेंट भेज के और रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, जो कि आपको स्पाइस मनी रिटेलर आईडी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है कि यहाँ पे अपना स्पाइस मनी अधिकारी ऐप से जो है कि लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो है कि अपना स्पाइस मनी अधिकारी ऐप डाल दिया है। उसके बाद जो है कि पासवर्ड जो आपका जो अधिकारी ऐप में पासवर्ड है वो सेम पासवर्ड यहां पे भी डाल देना है। उसके बाद जो है कि यहां पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद देखते हैं किस तरह से लॉगिन होता है। यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन होगा, जिस तरह से स्पाइस मनी लॉगिन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हो गया। उसके बाद सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ अपना इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है ट्रेवल यूनियन का। जो भी आपका स्पाइस मनी में वॉलेट में बैलेंस होगा ये बैलेंस यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद ट्रेन फ्लाइट होटल बस ये सारे का यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाता है, जो इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे अच्छा हमें देखने को मिला है दोस्तों। वन ईयर मनी ट्रेवल, तो अगर इसको हम कहीं हिंदी में करके आते तो जो है कि मजा आता। चलिए लैंग्वेज जो है कि हम हिंदी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और देखिए उसके बाद जो है, क्योंकि बड़े सपनों को चाहिए बड़ा प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इनका सपना जो है कि बहुत बड़ा है तो प्लेटफॉर्म भी बड़ा होना चाहिए, जो कि अभी शायद 10 मिलियन इनका यूजर हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है कि दोस्तों यहाँ पे आपको हेल्प, ट्रेन हेल्प देखने को मिल जाता है। ट्रेन हेल्प के अंदर जाके आप जो है कि हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में यहाँ पे उपलब्ध है। स्पाइस मनी IRCTC क्या है, IRCTC सेवाएं को कैसे, तो इस तरह से जो है दोस्तों कि ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये आईडी पासवर्ड आपको कितने का पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि अब जो है कि IRCTC OTP वेस अगर आप लेते हैं और तो आप पैसे के लिए भी हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर इतना हम बोल रहे हैं तो आपको पैसे का आ रहा होगा कि पैसा भेजना पड़ेगा, क्योंकि पैसा भेजने में सबसे बड़ा दिक्कत आता है। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि ये 1199 समथिंग कुछ ऐसे पड़ने वाला है, जो कि मैं क्लियर कर दूंगा, 1199 ऐसे कुछ समथिंग पड़ने वाला है, जो कि आपको 100% रिफंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो है कि आपको ₹150 मंथली करके रिटर्न हो जाएगा। आपको साथ टर्म ऑफ कंडीशन रहेगा कि महीने में आपको 30 टिकट बनाना है, 8 महीने में आपका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों अब पैसा किसको देना है, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको जो है कि सिर्फ यहाँ पे IRCTC ये अपना स्पाइस मनी का ID रजिस्ट्रेशन करवाना है हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है और उसके बाद जो है कि आपके पोर्टल से ही जो है कि इसका चार्ज कटेगा और बाकी किसी को पैसे वैसे कुछ देना नहीं है। तो यही कुछ है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे लिखता है प्लीज बाय योर IRCTC फ्रॉम द स्पाइस मनी ऐप। तो स्पाइस मनी ऐप से इसको आप बाय कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जिस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।